लोकसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, वर्ष 2024 तक देश की सड़कों को अमेरिका जैसी बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश ने सड़क निर्माण क्षेत्र में बनाए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड, प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क का हुआ निर्माण। विश्व जल दिवस आज, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पानी की एक एक बूंद को बचाने का संकल्प दोहराया। बीते कल पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं ने नेशनल वॉर मेमोरियल का किया दौरा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 13 भाषाओं में किया जाएगा आयोजित। बिहार आज मना रहा है अपना 10वां स्थापना दिवस, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने दी बधाई। भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने बीजिंग में SCO के महासचिव झोंग मिंग से की मुलाकात। SCO में स्टार्टअप्स, इनोवेशन, पारंपरिक चिकित्सा, भारत की आगामी अध्यक्षता सहित भारत की पहल पर चर्चा की। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक करेंगे भारत का दौरा। यह यात्रा भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों के 30 साल और भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होगी। दुबई एक्सपो में इंडिया पेवेलियन की धूम, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में हुआ विचार विमर्श, भारत को सबसे बेहतर शूटिंग केंद्र बनाने पर जोर। महिला विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम ने आज बांग्लादेश को 110 रनों से हराया, विश्व कप में भारत की तीसरी जीत। वहीं एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दी शिकस्त।